युवा विकास समिति फतेहपुर जिला के लिए लगातार किसी न किसी तरह से वह समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और वह जिसके लिए समाज के सभी लोगों को वह भागीदारी बनाना पड़ेगा और इसी क्रम में से आगे बढ़ते हुए वे आज युवा विकास समिति के लोगों के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल में जाकर दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन का आयोजन किया गया है और वह इसी तरह से संपन्न परिवार के लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं और उसे वह मद्देनजर रखते हुए वे आज और वह बच्चों का जन्मदिन भी मनाया गया है और वह उनको भी पुरस्कृत किया गया है और साथ ही साथ वह सभी से भी एक एक गाना सुनकर उसे उत्साह बढ़ाया गया है। मौके पर मौजूद वह बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि इस समय से वह स्कूलों के लिए वह खेल कूद कार्यक्रम चल रहे हैं और इस कार्यक्रम में से वह जो भी बच्चे विजयी हुए हैं उनके लिए भी पुरस्कृत किया गया है। हमारा बर्थडे के अवसर पर हमने सोचा हम छोटे बच्चों के साथ जो विद्यालयों में पढ़ते हैं जो विकलांग हैं उनके साथ अपना जन्मदिन मनाए। बड़े लोगों के साथ और लोगों के साथ मनाना तो साधारण बात है, सब लोग मनाते हैं, पर बच्चों को जब खुशी मिले और बच्चों आनंदित हों वो बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं बच्चे लोग आनंदित हों, खुश हों और ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। ये मत सोचना कि विकलांग है तुम कुछ कर नहीं सकते हैं, विकलांग लोगों में बहुत क्षमता होती है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि एक लड़की जिसके दोनों पैर नहीं थे वो दो बार एवरेस्ट विजयी कर चुके हैं। हमने देखा है लोग पैरों से लिख लेते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं, अंधे लोग भी जो है बहुत बढ़िया म्यूजिक पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही में कैंप में समय समय पर समाज के लोग आ करते हैं, बर्थडे पार्टी में या बच्चों के साथ भोजन या इस तरह का इनिशिएटिव करके रखते हैं, उस तरह का ही कार्यक्रम बच्चों ने साथ में जन्म दिवस मनाया है। इससे बच्चों को भी अपने चूँकि बच्चे आवासीय कैंप बच्चे हॉस्टल के रूप में रहते हैं तो घर की अनुभूति होती है जिसके तहत जो संपन्न लोग हैं अक्सर देखा गया है कि अपने बच्चों का जन्मदिन गेस्ट हाउस में मनाकर होटलों में मनाकर हजारों रुपए खून देते हैं जबकि जो जरूरतमंद है उनके साथ ना मनाकर इसी पहल को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे साथ जैन सर आए हैं जो कानपुर से आए हैं जो गरीब बच्चों के साथ जो असहाय बच्चे उनके साथ जन्मदिन मनाकर खुशियों की मिठाई बांटकर अपने जन्मदिन का जो अवसर है उसको मना रहे हैं। सबकी यही पहल है कि आने वाले समय में जो लोग संपन्न है वो सभी लोग ऐसे असहाय लोग और जो लोग को जरूरत है उनके बीच जाकर गरीब लोग के बीच जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए।